नमस्कार, आप हमें सब चीज़ें तैयो हमें देवन। आज हम बात कर रहे हैं गरौटा विधानसभा पर चुनावी चर्चा। तो आज हम आ चुके हैं मोट में आ चुके हैं नगर पंचायत मोट है। पहले जलन करा दो दर्शन, जो टीकाराम यादव चेयरमैन स्मृति द्वारा जो मुख्य गेट है। और आज हम आ चुके हैं सावित्री चौराहे पर। सावित्री चौराहा देख सकते हो, सुंदर सुंदर दुकान है, खावे पीवे की जलन कपड़ाने की दुकान है, इलेक्ट्रिकल दुकान है और जनता भी मौजूद हो गई। अब बात करा दें 20 फरवरी वो दिन है कि झांसी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर मतदान होना है। जानते हैं कि गरौटा की जनता का क्या है मन, कैसा विधायक चाहिए गरौटा के अंदर जो लोगों की मदद में काम आए। जानते हैं कि क्या इस बार बदलाव की जरूरत गरौटा विधानसभा के मोड के अंदर जनता का क्या है मन। तो बारी बारी से जानते हैं। कवज्जा खानो उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप बताओ बज्जा का भाव 5 साल में कहानी भाव। बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ और क्या काका भाव बताओ। विकास के लिए गरौटा विधानसभा की बताऊं कि पूरे उत्तर प्रदेश की बताऊं। गरौटा की बात कर रहा जितने पर रह रहा है। देखो जब योगी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो तब से प्रदेश का पुनर्निर्माण चल रहा है। अच्छा जवाहरान तो भट पा रही तुम्हारे मन। राष्ट्र का पुनर्निर्माण चल रहा है, चाहे राष्ट्र का पुनर्निर्माण मंदिर की बात हो, जहाँ पर गुलामी के प्रतीक मस्जिद को तुरंत वहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया, ये राष्ट्र की सम्मान की बात है जहाँ पुनर्निर्माण की। और यहाँ गरौटा विधानसभा की देख लें तो हमने अखबारों में पढ़ा है, झांसी में हम रहते हैं अखबारों में पढ़ा है, यहाँ पर एक तालाब पर कब्जा था, अवैध गुंडों द्वारा उस पर तालाब कब्जा था, जिसको यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके द्वारा उस कब्जे को हटाया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये परम देश को परम वैभव पर पहुँचाने वाली बात है और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के विकास की बात है। कैसा विधायक चाहिए तुम्हें? हमें ऐसा ही विधायक चाहिए जो अवैध उत्खनन हटाता हो, अवैध उत्खनन उठाता हो, गुंडों को जवाब देने वाला हो, कब्जे हटाने वाला हो, हमें ऐसा विधायक चाहते हैं। अज्जा घुमा दो पीछे दालन, फिर जुड़ गए लोग बात। अज्जा बता दे सब जुड़ जा रहे, सबसे हुई है चर्चा, आखिरकार मोट के अंदर नगर पंचायत में क्या सो विधायक चाहिए? कहा दादा राम राम। राम राम। कौन हो? परशुराम पाल। परशुराम पाल बताओ दादा का भाव 5 साल में? बढ़िया चल रहा। बढ़िया चल रही। कई सरकार चाहिए? सरकार तो चाहिए सपा की। हाँ अज्जा अन्ना जानवरों से जो है बहुत परेशान है आदमी। जानवरों के लिए जो गौशालाएं बनाई गई हैं उन गौशालाओं में भूसा नहीं है। किसान जो है खेतों की रखवाली के लिए रात दिन जो है परेशान हो रहा है। ये जो है सरकार की ये व्यवस्था जो है खराब रही। जावर की पे जा रहा बनावा मन। जावर जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनना चाहिए। क्या कह रहे सही में? और का महंगाई के महंगाई मोनी मोलन से जा रहा है। कावज्जा कहाँ है तुम्हारा नाम? हमारा नाम रितिक खटीक है। रितिक खटीक तुम बताओ साची साची का भाव बुंदेलखंड में गरौटा की धरती में मोट में? मोट में तो कछु नहीं भाव। साची साची सब हुआ है। पूर्व विधायक माननीय दीपनारायण सिंह के विधानसभा में जो विधायक थे उनने कार्यकाल किया, किसी ने नहीं किया है। और बात कर रहे जी भैया तलाब की, तलाब की तो तलाब पे कोई भी कब्जा नहीं है। तो अगर विधायक जी तलाब में जो थी वहाँ टैक्सी खड़ी होती थी। माननीय विधायक जी जो अगर हमारे विधायक जी पे जो कह रहे हैं कब्जा कर रहे थे, अगर वो कब्जा करते थे, रुको आप पहले बात सुनो, अगर वो कब्जा किए होते तो सरकार इनकी है, मंत्री इनके है, तो उन पे कार्रवाई होती। वो नगर पंचायत में आज भी दर्ज है जो तो सब झूठिया पंगाए के विधायक। सत्ता की सरकार कब्जा जिन लोगों के द्वारा था वहाँ पे अवैध कब्जा था जिनके वहाँ पे हटाया गया, वहाँ से तालाब को सुरक्षित किया गया, नहीं किया गया कोई करे तो कोई ना कोई तो कब्जा किया ही होगा। पूजा कोई बच्चा और रुक जाओ सबसे हो रही बात, सबसे करें बात। जो हम मोट में खड़े नगर पंचायत है सबसे होगी बात। रुक जाओ गल्ला नहीं मचाओ, रुक तो जाओ, सबको संतोष हम करें, संतोष हम करें। कब्जा जो बताओ जो कब्जा की बात कह रहे हैं सच्चाई बामे का है, का नहीं लिखो मुकदमा जो बताओ लिखने चाहिए मुकदमा। अब वो इनसे भाई साहब से पूछो जे कह रहे हैं विधायक जी कब्जा कर रहे थे, सत्ता भी उनको, विधायक उनको, मंत्री उनको, मुख्यमंत्री उनको। अब जब तुम कह रहे हैं कि कब्जा करें विकास को लेकर कुछ नहीं हुआ है भैया खटीको। अब हम एक और बात बताए जो कि हमारे समाज के लोग हैं, खटीक समाज के लोग हैं, उनसे माननीय विधायक जी ने जो थे जवाहर राजपूत जी उनने सबसे
कहा कि तुम लोग अपना पैसा इकट्ठा करके और यहाँ पे किले में मीट मंडी बना लो, अपनी अपनी दुकानें बना लो। सपने भैया किसी के पास नहीं था, किसी से ब्याज पे लिया, किसी ने अपनी चीज़ें बेची, पैसा इकट्ठा किया, कम से कम 10 लाख रुपए इकट्ठा किया, वहाँ पे दुकानें बनवाई, वो फिर आके जो झांसी में कहते हैं शिकायत हो गई और तुम लोगों की जेसी सलवा के दूर से आ जाओ भगया, पूरी दुकानें फड़वा दी और ना किसी का 1 रुपया दिया अभी तक वापसी। ये क्या है, कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार फैला है। अब तो माननीय दीप नारायण सिंह यादव जी को जिताना है और गरौटा विधानसभा में विधायक बना के लखनऊ भेजना है। बताओ दादा का क्या हुआ, तुम्हें लगा मास्क पे कोई नहीं लगाए। मैं तो ये कहूँगा कि दीप नारायण जी को विजय बनाना है, इसलिए कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ज्यादा परेशान कर रहा है। मोठ के अंदर का अपने गुरसा में गरौटा में कितने कितने कर रही है, हम मोठ में देख रहे हैं तो हर जगह कर रहा है, पुलिस ज्यादा हावी है। हाँ मतलब पुलिस ज्यादा दिक्कत कर रही है, बिना पैसा लिए दिए हुए कोई भी काम नहीं कर रही है। आपको नंबर एक में मेरी गाड़ी जाती है, मेरे पास ट्रक है और कागज बन करके जाता है, फिर भी हमें ऑनलाइन चालान कर दिया जाता है। ये कहाँ की व्यवस्था राजनीति है, इसलिए दीप नारायण जी को जिताना है। देखो ऐसे नारे लगावे से बेवकूफी है जमारे, 10 मार्च को आने से रिजल्ट, 10 मार्च में कोजी उतरा को और सच्चाई मालूम चल जाए, अब तो खड़े रहो, अब जान में अब चल रहे अपन कहते बे दुकान में जो दुकान पे खावे पीने को सामान मिल रहा। आ जाओ आ रहे उतनी आ रहे आ रहे आ रहे उतनी आ रहे बच्चा कौन हो तुम? वीर सिंह। सुकून होगा नहीं होगा सरकार में? सुकून है नहीं तो अब कह रहा सुकून है। चला था पने थे इनको का क्या वो है दादा? राम राम दादा। जो बताओ जो 5 साल हो गए सुकून है का नहीं है तुम्हें? मैं तो कौन है? सुकून है तुम बताओ दादा, सुकून है का नहीं है तुम्हें? सुकून तो है। सरकार कैसी चल रही चलो इनसे पूछा का बच्चा जो बताओ ये 5 साल हो गए, 5 साल में सुकून है का नहीं है? सुकून है भैया बता दें आपको। आज भाई की चले की चले भाजपा कैमरा के सामने से कल हाँ क्या कह रहे हैं भैया कछू लग कर मोड़ में फूल खेलने फिर चले तल के पीछे वो है जो देख लो विकास मोड़ को विकास जो जाम लगो इतने 5 साल में देख लो विकास विकास मोड़ को देख लो 2 घंटा से जाम लगे अब। अच्छा जो विकास है जनता बेकार सुकून है यार और भी आगे चला थोड़का क्या वो आ जाओ तुम बताओ मोड़ में सुकून है नहीं? सुकून है भैया कहीं जगह चाहिए फूले की आज अब जो तुम बताओ सुकून है का नहीं है सरकार में? सुकून है तुम बताओ बहन जी सुकून है? हाँ सुकून। चलो जालंग जाम लग गया होता है बताओ बच्चा क्या क्या वो है आपको मोठ में का नहीं हुआ 5 साल में? मोठ में जो अभी तक कार्य हुआ वो ऐतिहासिक रहे। माननीय पूर्व विधायक दीपक यादव जी जो गरौटा समथर से पूर्व विधायक रहे हैं, 1000 बहनों के एक मात्र भाई हैं, सर्व जाति सर्व धर्म, इस पूरे कोविड काल में सरकार भले किसी की रही हो लेकिन अपने विधानसभा में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मदद की है तो माननीय पूर्व विधायक गरौटा दीपक यादव जी और उनके साथियों उनके ग्रामवासियों ने। अच्छा लोग गरौटा में घूम रहे गाँव में क्या गुंडागर्दी होती है आपको सरकार? सर गुंडागर्दी की प्रकाष्ठा गुंडागर्दी की परिभाषा क्या मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, गुंडागर्दी किसको कहते हैं? लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं। नहीं तो लोगों ने ये नहीं बताया कि एरज बांध बनवाया विधायक जी ने, उन्होंने एरज बांध नहीं सुनवा पाया ये बात करीम ने कायदे की। हाँ फिर बताओ माननीय विधायक जी ने एरज बांध बनवाया, एक बताइए अभी तक के किसी भी पार्टी में किसी भी मंत्री के अलावा या मुख्यमंत्री के अलावा आज तक लघु सिंचाई विभाग वाले भी अपना बांध कहीं नहीं बना पाए जो माननीय पूर्व विधायक गरौटा दीपक यादव जी ने अपनी विधानसभा के लोगों को किसानों के लिए किया। धरती पुत्र वो है, अगर धरती पुत्र नहीं होते तो कैसे वोट में इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन बाकी वो जो जनता को जनता तो बढ़े ही आगे पर सुख सुविधा पार्किंग व्यवस्था कितना जाम लग रहा है 5 मिनट में जाम लग रहा है यहाँ कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। अच्छा हाँ और पूरा गरौटा गुरसवा क्षेत्र पेयजल से इतना परेशान है जो बहुउद्देशीय एरत बांध योजना बनाई जा रही थी इससे सिंचाई को भी पानी मिलता
और वहाँ के लोगों को पीने के लिए भी पानी मिलता और इससे विद्युत उत्पादन होता। तो ऐसी कौन से कारण है कि जांच के नाम पे पूरे 5 साल निकाल दिए जांच ही जांच में, अभी तक वो काम शुरू नहीं हो पाया। और हम यहाँ के प्रधान भी हैं, वो आश्रय केंद्र खोले हुए हैं, जो प्रधान भी है का क्या वो उनको जो आज तो छुप नहीं रही, वो आश्रय केंद्र खोले हुए हैं। और सरकार कहती है, अधिकारी कहते हैं कि गोवंश को गुड़ खिलाओ, तेल पिलाओ, तेल पिलाओ, उन्हें अलाव से तपाओ, उन्हें मेथी अजवान खिलवाओ, जबकि भूसे ही 1200 रुपया क्विंटल है और मेंटेनेंस है उनका 330 रुपए पड़ रहे हैं गाय का, और वो भी समय से नहीं मिलता है। गोवंश के गायें जो है भूखों मर रही हैं, और जो सरकार जो है गो माता की बहुत रक्षा के और बहुत उनके हित में काम कर रही है, इसके लिए जरा भी बजट नहीं बढ़ा रहे। अधिकारी आते हैं और मुआयना करते हैं कि हरा चारा भी खिलाओ, क्या संभव है 30 रुपए में ये सारी की सारी चीजें, और ये गोवंश के बहुत बड़े रक्षक माने जा रहे हैं। जावर की पे करवे जा रहा है चाचा, भरोसा भरोसा दीपक को जिताएंगे। ब्रजमोहन सिंह यादव बताओ, मठ के अंदर समस्या अंबार है, अंबार है, मतलब कुल मिलाकर सिर्फ निदान दीप नारायण सिंह ही कर सकते हैं। दीप नारायण सिंह नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। विधायक जी ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया, 5 साल में नहीं कर पाओ तो अब 10 दिन बचे, आपका कर ले, 10 दिन की बात है, 10 दिन बाद मान्य विधायक जी आ रहे हैं। वो जो है गिर गिर के कीचड़ में गिर रहे हैं। आपसे ये कहना चाहता हूँ एक बहुत शॉर्ट में, कि जो आप बता रहे हैं कि 5 साल में क्या कराया नहीं कराया, देखिए सबसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कोई राजा है तो वह अपनी प्रजा की शिक्षा, चिकित्सा और रक्षा, ये तीनों पे खर्च करता है। माननीय पूर्व विधायक करौटा दीपक यादव जी ने मून इंटरनेशनल जैसा स्कूल यहाँ बनवाया कि हमारे यहाँ के लोग दूर दूर ना भटकें और कम पैसों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, झांसी से पूरा स्टाफ आता है। पीका राम यादव पीजी कॉलेज, वो उन्होंने अपने चेयरमैन साहब के नाम पर यहाँ पर सेवाएँ दी, क्यों दी, कि हमारे लोग पढ़ लिख के अच्छी जगह जाएँ। और पॉलिटिक्स कोई खराब विषय नहीं है, पॉलिटिक्स एजुकेटेड लोगों का खेल है, अगर वो जानते होंगे तभी तो प्रश्न उत्तर उठा पाएंगे। और पूरे बुंदेलखंड में माननीय विधायक जी के अलावा अच्छा प्रवक्ता कौन है, देखिए मेरा नाम डॉक्टर विवेक चौहान है, मैं चौहान हूँ, यहाँ पे कोई कास्टिज नहीं, हम सिर्फ कर्मों से पूछते हैं। हम आप पढ़े लिखे होंगे तो आप क्यों कहोगे कोई अन्य समाज का नहीं, आप वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा, तो उनके कर्म पूजे जा रहे हैं और उनके कर्म है। बता रहे हैं आपको, मोट के अंदर हम जैसे ही आए तेज जाम लगो कि आकर का जैसे समस्या को हल का नहीं हो पाओ, का नहीं हो पाओ, बता बच्चा भाई, समस्या होने ही नहीं कबू। अच्छा, जब तक भाजपा रहे कछु नहीं होने, भाजपा तो केवल कागजन में और वहाँ में दौड़ा रही है, जो हो रहा हो बिना विधायक जी के कोई नहीं कर पा, दीप नारायण के अलावा हम तो सोचा झांसी में, झांसी में बिना दीप नारायण के कोई नहीं कर पा। बीजेपी वाले ने कल दुकानदार को दम दई, कैसी दम दई, के 1 महीने बाद बताएंगे हम तुमको, हाँ चलो भाई सामने आओ, दुकान पे आओ ना, दुकान पे सामने बहुत डरे लोगों को मिलने ज्यादा गुंडा है, बीजेपी का ज्यादा गुंडा है, सपा ने नहीं करी गुंडी आई, जो भाजपा कर रही गुंडी आई, जिला पंचायत में देख लो आप उठा के का देखने, पूरा रेल देखो एक तरफ से, जिला पंचायत से लेके प्रधानी से लेके सब में भाजपा को गुंडी आई से अलावा ये कोई सीट दी जीती, हार रही थी चारों तरफ गुंडी आई से तानी। हमारा नाम समीर रायन है, हम ये कहना चाहते हैं सरकार योगी की बने, क्योंकि पहले 20,000 कर दे थे अब 10,000 करने लगे, फायदा हमें है ना इससे, 20,000 कर दे अब 10,000 करने लगे, देख लो योगी की ऐसी सरकार है, हम लोग स्टूडेंट इस बार विधायक जी जीतेंगे, सफाई की सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ योगी की सरकार बनने तो क्या वजह है, लंजर खिलाने जाओ, चाय आएगी बालू कर रही, कहाँ से डबाले 500 की बालू रहती सभा सरकार में, हवा चार आएगी कर रही, कहाँ से रोटी खा भी लंजर, हमारा जयपाल योगी यार की डरवाई यार, बताओ बताओ बच्चा का क्या बोलते हो, बताओ जमाओ विधायक तो दीप नारायण सिंह बनेगी, बता दे मोट मोट है नगर पंचायत, जो लोगों ने काका ही काउचो नहीं जाल हम चले, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दादा काना काना दादा सुकून होगा नहीं, जो 5 साल होगा सुकून है, है सुकून है, बढ़िया टॉप, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, ट्रेन की बंसी बज रही, ट्रेन की बंसी बज रही, चला था आगे, आ जाओ और आ जाओ, 5 साल बिल्कुल काम का बच्चा, कहाँ हो रहा हो, दुकान कहीं चल रही, बढ़िया चल रही, बच्चा सुकून है ना रंजा, अरे सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रही, जवाहर का बाजार करने जा रहा था भैया, हमारे तो भैया साइकिल ही चले, साइकिल चला रहा तो, क्या कह रहा है, ऐसी टाइम
बहुत पुरानी है भाई। हाकिम सिंह, हाकिम सिंह जी बताओ मोट में का भाव कहा नहीं भाव 5 साल में? समाजवादी पार्टी में भाव, भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं भैया, कछु नहीं भाव, कायम पार्ट भाव, क्या कछु भाव ही नहीं है? बता दो भाव, ये वाले बता रहे हैं, भाव भाव बताओ, आओ नीचे आ जाओ, चलो बच्चा जी, भाव भाव, बात बहुत बेकार चुका है, जनता कह रो रही, जनता कोई नहीं रो रही है, जो गुंडे लोग रो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, भाजपा के नेता भैया जो कह रहा सब कछु हो रहा, चलो बच्चा आजा लेते आजा, अब भैया बताओ का भाव 5 साल में? सुकून है का नहीं है? काय को सुकून, काय को सुकून, आदमी अपने का चाहिए पर बताओ है? जो तो कह रहा सुकून है ना बच्चा, का कह रहा सुन लो, अरे यार अरे यार, चलो अपनी बात तो करो समापन जो तो मौत जला मौत जिला का जो गरौटा विधानसभा का मौत था, मौत के अंदर हुई चर्चा, लोगों ने कहा खाने की शाम कर देख ली जो खबर के अंदर, लोगों ने गरौटा विधानसभा के मौत के अंदर कामतो कानी मतो, जय राम जी।